بسم الله الرحمن الرحيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. قرآن ویسے نہیں پڑھنا ہوتا تو پھر उल्टी ट्रैक पर लोग चलना शुरू हो जाते हैं। मैंने खुद रसूलुल्लाह का यह फरमान सुना, अली कुरान के साथ और कुरान अली के साथ है, ये दोनों हरगिज अलग नहीं होंगे हत्ता के हौज़े कौसर पर मेरे पास आ जाएंगे। और इसीलिए वो फरमान भी है कि अली से बुग्ज मुनाफिक रखेगा और अली से हुब मोहब्बत मोमिन रखेगा। मेयार कोई और सहाबी मेयार नहीं, इस तरह बताया रसूलुल्लाह ने कि जिसकी मोहब्बत और जिसका बुग्ज मेयार बन जाए। और अहमद इब्न हम्बल जो है, इनके पास एक शख्स आया था और उसने कहा, जो प्रोपेगेंडा जो था मौला के खिलाफ, अली और औलाद अली के खिलाफ, कि ये कुछ लोग हदीसें सुनाते हैं और कहते हैं अली कसीमुन नार है, अली मियार होगा आग और जन्नत के तकसीम किए जाने का, ये कुछ लोग हदीस बताते हैं। तो अहमद इब्न हम्बल ने उसको जवाब दिया कि तूने ये हदीस सुनी है, और ये सही मुस्लिम की हदीस है कि रसूलुल्लाह ने अली से फरमाया था, अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया था कि ए अली, तुझसे मोहब्बत नहीं करेगा मगर जो मोमिन होगा, और तुझसे नफरत नहीं करेगा मगर जो मुनाफिक होगा, वो करेगा, बुग्ज रखेगा। उसने कहा, अहमद इब्न हम्बल को उसने जवाब दिया बंदे ने कि हाँ ये हदीस है। तो फिर अहमद इब्न हम्बल ने कहा, अब तू बता मोमिन कहाँ जाएगा मरने के बाद? जन्नत में। बता मुनाफिक मरने के बाद कहाँ जाएगा? जहन्नम में। तो इसीलिए अली कसीमुन्नार, अली मियार है जन्नत और जहन्नम में जाने का। ये फजीलतें कम है, झूठ बोलने की जरूरत है, शिर्क करने की जरूरत है, अल्लाह ताला के हरीम में दाखिल होने की जरूरत है, ये लगवियात है। खुदा बंदे आलम इससे पनाह दे कि वो फिर आप जब गलत बातें करेंगे तो फिर हक भी छुप जाएगा, हक भी छुप जाएगा। सही बातें सीखें, कुरान मजीद सीखें, सही रिवायात सीखें, और वो फजाइल कम है। झूठे फजाइल उसको चाहते होते हैं। कुछ लोग पैसे दे के बंदे रखते हैं कि तूने घड़ घड़ के बिरयानी में ही तारीफें करते रहना, जिनके अपने ना हो, वो कंजूस और साथ बंदा को पैसे दे के तूने जहां जाना है मेरी सखावत की तूने तारीफें करनी। लेकिन जो खुद सखी हो, जो खुद सखी हो, पैसे रखेगा तो लोग उसको खुद पहचान लेते हैं कि सखी। अहले बैत अथार को किसी झूठ की जरूरत है ही नहीं कि उनको झूठ बोला, उनके बारे में बोला जाए और फजाइल घड़े जाए। आज भी मौला कायनात के फजाइल सबसे ज़्यादा मौजूद, सबसे ज़्यादा मौजूद है। इसी अहमद इब्न हम्बल का बेटा है अब्दुल्ला इब्न अहमद इब्न हम्बल, इसने सवाल किया था कि ये मौला अली के बारे में सवाल किया, तो अहमद इब्न हम्बल ने जवाब में उसको ये कहा था कि उस शख्स के बारे में मैं क्या कहूँ, उस शख्स के बारे में मैं तुझे क्या बताऊँ कि जिसके फजाइल को दोस्तों ने डर की वजह से छुपाया, कि अली के फजाइल बयान करने पे पकड़ते थे, मारते थे, कत्ल कर देते थे, कैद में डाल देते, जिसके फजाइल को उसके दोस्तों ने, चाहने वालों ने डर के छुपाया और उससे बुग्ज रखने वालों ने बुग्ज की वजह से छुपाया, इसके बावजूद आज भी उसके फजाइल सबसे ज्यादा हैं, उसके बारे में मैं तुझे क्या बताऊं उसकी फजीलत। और कोई नहीं है जिनके बुग्ज में उनके फजाइल छुपाए गए हों, लिखे हुए। इस हस्ती के फजाइल छुपाए जाने के बावजूद आज भी सबसे ज्यादा, अगर जमा किया जाए फजाइल की अहादीस को, आज भी अली अलैहि सलाम के फजाइल सबसे ज्यादा। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। अगर मोमिनीन के दो ग्रोह आपस में लड़ पड़े तो उनके दरमियान सुलह करा दो, फिर अगर उन दोनों में से एक दूसरे पर ज्यादती करे तो ज्यादती करने वाले से लड़ो यहाँ तक कि वो अल्लाह के हुक्म की तरफ लौट आए, फिर अगर वो लौट आए तो उनके दरमियान अदल के साथ सुलह करा दिया करो। ज्यादती के साथ सुलह नहीं करवानी, अदल के साथ सुलह करवानी है, और इंसाफ करो। यकीनन अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। यहाँ पर ताकीद चूँकि इंसाफ पर है, यानी कहा सुलह कराने वालों को पसंद करता है, उन्हें भी करता है, लेकिन किन सुलह कराने वालों को? इंसाफ के साथ सुलह कराने वालों। हमने देखा ये
शहरों का मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता, लेकिन वहाँ पर जो वो डेरेदारी का माहौल होता है जहाँ पे झगड़े आते हैं, तो वहाँ पे जो ताकतवर होता है उसकी साइड ली जाती है, जो ताकतवर होता है उसकी साइड लेते हैं, और जो गरीब मस्कीन होता है उसको थोड़ा बहुत उसका नुकसान पूरा कर दिया, वो कहे जी मेरा तो ज़्यादा हुआ, कहते वह चुप कर तू भी, अब सब्र कर। ठीक है, ये इस्लामी सुलह नहीं है, ये इस्लामी मुसालहत नहीं है। या जैसे बाज़ लोग आते हैं बेटी से कहते हैं बेटी तुम अपना हक भाइयों को बख्श दो, ये अल्लाह पूछेगा इस तरह के बख्शवाए हुए हकों को बख्श दो, इसलिए कि अल्लाह ने बेटी का हिस्सा करार दिया कुरान में और धमकियां दी हुई आप सूरह निसा में भाई मुबारक रमज़ान में सुनी होगी कि जिसने इन हदूद को क्रॉस किया अल्लाह उसे जहन्नम में फेंकेगा, हमेशा वहाँ रखेगा। ये अल्लाह की हदूद है, इन हदूद को क्रॉस मत करो। कर जाते कर सब कुछ कर लेते हैं फिर भी ईमान को कुछ भी नहीं होता, पक्के मोमिन बाकी रहते हैं हम लोग मोमिनीन। फिर अगर वो लौट आए यानी अल्लाह के हुक्म की तरफ जाती करने वाला अगर लौट आए तो उनके दरमियान अदल के साथ सुलह करा दो और इंसाफ करो, यकीनन अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। सदक अल्लाहुल अली।